जीरो से हीरो बनने की कहानी। कभी 50 रुपए में गुजारा करते थे थायरो केयर के मालिक। बात जब मेडिकल चेकअप की होती है तो देश की चुनिंदा लैबों में की याद आती है। अगर बात जब थायराइड की जांच की आती है तो सबसे पहले हमें थायरो केयर लैब की याद आती है। देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बेहतर मेडिकल चेकअप के लिए थायरो केयर लैब प्रसिद्ध है। आखिर क्या आप जानते हैं देश और दुनिया में प्रसिद्ध लैब के मालिक ने इस लैब की शुरुआत कैसे की थी? इस लैब की नींव रखने वाले डॉक्टर वेलू मनी आरोक्या स्वामी के परिवार की मासिक आय कभी महज 50 रुपये थी और आज कंपनी का वैल्यूएशन इस समय लगभग 3370 करोड़ रुपये है। इनकी शून्य से शिखर तक पहुंचने की कहानी उनके लिए खास है जो अंधेरे में जीते हुए उजाले का ख्वाब देखते हैं। भैंसे पालकर माँ चलाती थी परिवार। अरबों रुपए की कंपनी के मालिक होने के बाद भी साधारण से जिंदगी जीने वाले डॉक्टर वेलुमणि आरोक्या स्वामी के पिता भूमिहीन किसान थे। तमिलनाडु के अपानचेनपट्टी पदूर नामक एक सुदूर गांव के एक गरीब किसान के घर पैदा हुए। वेलुमणि के पिता के पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी। वह गाँव में दूसरों की जमीन और जानवर पालकर किसी तरह से अपने पूरे परिवार का खर्च चलाते थे। परिवार लंबा होने की वजह से उनके पिता बहुत ही परेशान रहते थे। वेलुमणि के परिवार में उनकी माँ के 3 भाई बहन और थे। परिवार के इस बुरे वक्त में उनकी माँ ने खुद कमान संभाली और उन्होंने 2 भैंसें खरीदी और उससे दूध निकालकर बेचने लगी। इन दोनों भैंसों से उनके हफ्ते का रुपया मिल जाता था और इन 50 रुपए की बदौलत उन्होंने 10 साल तक अपने घर को चलाया। डॉक्टर वेलुमणि ने बताया कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि मैंने 10 साल तक चप्पल नहीं पहना था। 19 साल की उम्र में करने लगे थे नौकरी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण 1989 में उन्होंने 19 साल की उम्र में जेमिनी कैप्सूल्स कंपनी में नौकरी शुरू कर दी थी। डॉक्टर वेलुमणि के गांव से शहर कॉलेज में पढ़ने आने की वजह यह थी कि पढ़ाई अगर नहीं करोगे तो शादी अच्छी लड़की से नहीं होगी, वरना मुश्किल है। 19 साल की उम्र में BSc की डिग्री प्राप्त करने के बाद डॉक्टर वेलुमणि ने कोयम्बटूर में एक कंपनी में केमिस्ट और तौर पर काम शुरू कर दिया और इन्हें महीने में 150 रुपये मिलते थे। यहाँ पर 150 रुपये मिलने में वह स्वयं 50 रुपये रखते थे। इसके अलावा 100 रुपये हर महीने अपनी माँ को भेजते थे। माँ उन पैसों से परिवार चलाया करती थी। वेलुमणि जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे वो कंपनी बंद होने के कगार पर थी। यहाँ पर उन्होंने 4 साल तक काम किया और जब उन्होंने नौकरी छोड़ी इसके एक माह बाद उन्होंने मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में नौकरी के लिए आवेदन किया। यहाँ पर उन्हें नौकरी मिल गई, अर्जी मान ली गई और वह भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में नौकरी करने लगे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में नौकरी करने के बाद उन्हें हर माह 800 रुपये मिलते थे, लेकिन यहाँ पर उनके पास पहले से बहुत ज़्यादा काम हो गया था। वेलुमणि काम से बिल्कुल भी नहीं डरते थे क्योंकि इससे पहले वह काम इससे भी ज़्यादा कर चुके थे। मुंबई आने के बाद उन्होंने यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इससे उन्हें 800 रुपये की एक्स्ट्रा कमाई होने लगी। इस तरह एक माह में 1600 रुपये कमा लेते थे और इससे माँ को हर महीने 1200 रुपये भेजते थे। यहाँ पर नौकरी के बाद उन्होंने अपनी माँ से झूठ कहा था कि उन्हें 2000 रुपये की नौकरी मिली है। दूर रहकर इतने कम पैसे की नौकरी करने से वो मना ना कर दें। भाभा में नौकरी करने के दौरान ही उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करने वाली महिला सुमाथी से शादी कर ली। भाभा में नौकरी करने के दौरान ही उन्होंने थायराइड में PhD की डिग्री पूरी कर ली और अब डॉक्टर वेलुमणि हो गए। PhD की डिग्री करने के बाद उन्हें समझ आ गया था कि थायराइड की फील्ड में टेस्ट करके लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कमा सकता। आखिरकार वह समय आ ही गया और 37 वर्ष की उम्र में 1995 में उन्होंने नौकरी से रिजाइन कर दिया और प्राइवेट फंड में जमा 1 लाख रुपये से दक्षिण मुंबई से बायोकुला में एक टेस्टिंग लैब शुरू कर दी। थायराइड बायोकेमिस्ट्री में अपनी विशेषज्ञता के आधार पर
उन्होंने टेस्टिंग लैब स्थापित करने की ठानी। इनमें उनके भाइयों ने मदद की और उनकी पत्नी सुमाथी ने कंपनी का HR मैनेज किया। मुंबई में एक छोटी सी जगह से थायराइड के लैब का काम शुरू करने वाले डॉक्टर वेलुमनी का काम बढ़ गया। उन्होंने देश भर के अलग अलग हिस्सों में पहले सिर्फ सैंपल लैब खोले और इसकी टेस्टिंग मुंबई के सेंट्रल सेंटर में शुरू किया। 3 साल में इस कंपनी का वैल्यूएशन दो गुना यानी 1320 करोड़ रुपए हो गया। आज उनकी कंपनी के 1122 से अधिक आउटलेट्स हैं। कंपनी के आउटलेट्स भारत, बांग्लादेश, नेपाल, मध्य पूर्व समेत कई मुल्कों तक फैले हुए हैं। उन्होंने वर्ष 2011 में नई दिल्ली की कंपनी श्रीएक्स पार्टनर्स में थायरो केयर में 30% स्टॉक खरीद लिया। आज की तारीख में थायरो केयर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की कंपनी है और डॉक्टर आरोग्य स्वामी वेलुमनी की संपत्ति तकरीबन 2158 करोड़ से भी ज़्यादा है। कंपनी का वैल्यूएशन इस समय लगभग 3370 करोड़ रुपए है और थायरो केयर में वेलुमनी की लगभग 66% हिस्सेदारी है, जो लगभग 2158 करोड़ रुपए की बनती है। याद रहे, एक समय ऐसा भी था जब हालात से मजबूर ने पिता हिम्मत हार ली थी और माँ ने कमान संभाली थी। ये वही आदमी हैं जिनके घर की पूरी कमाई एक हफ्ते का 50 रुपये हुआ करता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज वह नई मुंबई में स्थित उनके लैब के ऊपर फ्लैट में रहते हैं। उनका अधिकांश समय इसी लैब में काम करते हुए बीतता है। अगर दोस्तों, अगर ये मेरी छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।